नमस्कार प्रकाशक के पटल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम बहुत खास मौके पर हम सब इकट्ठा हुए हैं, और वो खास मौका है आदरणीय संजीव जायसवाल जी की पुस्तक के लोकार्पण का। आदरणीय संजीव जायसवाल जी की जाने माने साहित्यकार, बाल साहित्य के स्तंभ, और उनकी कहानियों की, उनके व्यंग्यों की क्या बात करें, वो तो सूरज को दिया दिखाने के समान होगा। तो आज उनकी पुस्तक रॉकी अहमद से, बहुत चर्चित पुस्तक, और इसको, इसकी कहानियां हर किसी के दिल को छू चुकी हैं, और निश्चित रूप से आगे भी ऐसा ही कुछ फीडबैक मिलता रहेगा। आज हम उसी किताब के लोकार्पण के लिए इकट्ठा हैं। तो आज इस लोकार्पण में हमारे साथ हैं आदरणीय डॉक्टर पुनीत बिसारिया जी, जो कि इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। डॉक्टर पुनीत बिसारिया जी, नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद राजुल जी। और हमारे साथ मौजूद हैं विशिष्ट अतिथि डॉक्टर प्रभा पंत जी। डॉक्टर प्रभा पंत जी, नमस्कार, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। पटल पर हमारे साथ हैं अलका प्रमोद जी। अलका प्रमोद जी, नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत आभार। और हमारे साथ हैं सुधा जुगरान जी। सुधा जी, नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आभार आपका राजुल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस कार्यक्रम का हम शुभारंभ करें और उस पुस्तक की बात करें, उस पुस्तक की चर्चा करें जिसके लोकार्पण के लिए हम इकट्ठा हुए हैं। उसके पहले मैं ये चाहूंगी कि हम इस कार्यक्रम का यथावत शुभारंभ करें, और इसके लिए मैं आवाज दे रही हूँ हमारे साथ एक आज बहुत खास पटल पर, जिनकी उपस्थिति से चार चांद लग गए हैं, आदरणीय सूर्यलता जायसवाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सरस्वती वंदना से आज के इस कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। आप आरंभ करिए। मंच पर आसीन सभी विद्वानों का नमन और माँ सरस्वती की असीम कृपा सब पर बनी रहे। माँ सरस्वती के चरण कमलों में एक छोटी सी सरस्वती वंदना अर्पित करती। या कुंदेन्द्र तुषारे हारे ध्रवला, या शुभ्र वस्त्रावृता, या वीणा वर दंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्माच्युत शंकरा प्रमुतवे, देवहि सदा वंदिता, सामां पात सरस्वती भगवती, निशेष जा द्याम पहा। जय मां सरस्वती को नमः। वीणा पाणी की इस वंदना के बाद अब आज के इस कार्यक्रम को बकायदा आरंभ करते हुए मैं पटल पर उपस्थित अपने सभी अतिथियों का एक बार परिचय देना चाहूंगी। हालांकि वो स्वयं अपने नाम के अनुकूल ही अपने अपने क्षेत्र में दिग्गज हस्तियां हैं, और इन दिग्गज हस्तियों के बारे में मेरे कुछ मुंह से कुछ कहना छोटा मुंह बड़ी बात होगी, लेकिन फिर भी जो हमारे साथ जुड़े हैं, हमारे श्रोता, हमारे दर्शक, उनके लिए मैं एक बार अपने पटल पर मौजूद इन सभी सम्मानित अतिथियों का परिचय देना चाहूंगी। आदरणीय डॉक्टर पुनीत बिसारिया जी की बात करें तो हिंदी विभाग, बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के संयोजक हैं, और संयोजक और नोडल अधिकारी हैं उत्तर प्रदेश शासन द्वारा गठित हिंदी ई कंटेंट निर्माण समिति के।
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप उत्तर प्रदेश शासन द्वारा गठित एकीकृत भाषा पाठ्यक्रम निर्माण समन्वय समिति के सदस्य हैं और भारतीय राष्ट्रवादी फिल्म निर्माण संस्थान नई दिल्ली NFTI के अध्यक्ष हैं। बहुत सारे संस्थाओं के संयोजक सदस्य आदरणीय डॉक्टर पुनीत बिसारिया जी, संपादन और लेखन के क्षेत्र में अपना लोहा साबित कर चुके हैं और इनकी प्रकाशित पुस्तकों की बात करें तो बहुत सारी किताबें हैं, हिंदी काव्य, संचार कौशल और व्यक्तित्व विकास, भोजन पोषण और स्वच्छता से लेकर कार्यालयी हिंदी और कंप्यूटर, इन सभी विषयों पर आपकी कलम बकायदा चली है और राष्ट्रीय चेतना के सजग पहरी हैं डॉक्टर निशंक, ये इनके शोध पत्र कुछ जो प्रकाशित हुए हैं, वीरवर सरदार भगत सिंह की प्रशस्ति का अनुपमेय राग, निशंक जी की साहित्य साधना का अप्रतिम उद्घोष, क्यों मुझे याद बहुत आता है चेहरा तेरा, गजल संग्रह का संपादन और कोरोना महामारी के विषाणु से विश्व की रक्षा हेतु प्रभु से निवेदन एवं जन जागरण का सार्थक उपक्रम है कोरोना शतकम, ये संस्कृत का ग्रंथ है जिसकी भूमिका उन्होंने लिखी है। इस तरह की बहुत सारी साहित्यिक गतिविधियां हैं, जर्नल्स में उनकी बहुत सारी लेख प्रकाशित हुए हैं, पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होते रहे हैं और बहुत सारे अलग अलग तरह के विषयों पर लगातार वो लिखते रहे हैं। तो ऐसे विद्वान, परम विद्वान डॉक्टर पुनीत बिसारिया जी को एक बार फिर से नमन और स्वागत करते हुए अब मैं अपनी विशिष्ट अतिथि, आज के इस कार्यक्रम की विशिष्ट अतिथि आदरणीय प्रभा पंत जी की, जी मुख्य अतिथि हैं प्रभा पंत जी, जी मुख्य अतिथि डॉक्टर प्रभा पंत जी की बात करूंगी। डॉक्टर प्रभा पंत जी प्रोफेसर और विभागाध्यक्ष हैं हिंदी विभाग महाविद्यालय हल्द्वानी से और अध्ययन अध्यापन का 25 वर्षों का ये सिलसिला चलता आ रहा है और प्रकाशित पुस्तकों की बात करें तो कुमाऊनी लोक कथाएं हिंदी अनुवाद सहित 13 तुझको अर्पण ये काव्य संग्रह है, मैं ये भी काव्य संग्रह है, बच्चे मन के सच्चे बाल कविता संग्रह है, फांस ये कहानी संग्रह है, परिहंसावती ये बाल कथा संग्रह है और इसका अंग्रेजी में भी अनुवाद हो चुका है, उत्तराखंड की लोक कथाएं इनका नेपाली भाषा में अनुवाद हुआ है, हम और हमारा कुमाऊं और इसके अलावा बाल कविताएं, कर्मयोगी सरला बहन, बचपन जीने दो, तुम्हें सुनाऊं एक कहानी, मेरी प्रतिनिधि कहानियां, उत्तराखंडी लोक कथाएं, माँ सुनाओ कहानी, कुमाऊनी साहित्य सुगंधिका जैसी अनेक पुस्तकें उनकी प्रकाशित हो चुकी हैं। एक बार फिर हम डॉक्टर प्रभा पंत जी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं और हमारे साथ मंच पर उपस्थित हैं सुधा जुगरान जी, आदरणीय सुधा जुगरान जी हिंदी साहित्य के क्षेत्र में अपनी विशिष्ट तरह की कहानियों के लिए, बहुत खास कहानियां और वो खास इस तरह से कि दिल को छू लेने वाली कहानियां, वो कहानियां ऐसी कि हर किसी के मर्म पर सीधे सीधे कभी प्रहार करती हैं, कभी हौले से सहला देती हैं और बहुत सारे पुरस्कारों से सम्मानित आदरणीय सुधा जुगरान जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आपने अब तक लगभग 300 से अधिक रचनाएं प्रकाशित हो चुकी हैं, आपकी प्रकाशित पुस्तकों की बात करें तो गली आगे मुड़ती है, मुखरित मौन, एक मौन मन ऐसा भी और इसके अलावा समय समय पर विभिन्न पत्रिकाओं द्वारा आयोजित वार्षिक प्रतियोगिताओं में कहानियां पुरस्कृत हुई हैं। अगर उपलब्धियों की बात करें तो बहुत सारी तमाम उपलब्धियों के साथ साथ रेडियो और दूरदर्शन पर भी लगातार आपको देखा और सुना जा सकता है और हमारे साथ आज पटल पर मौजूद हैं आदरणीय अलका प्रमोद जी, 28 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं और उनमें से कुछ का नाम मैं लेती हूँ, सच क्या था, धूप का टुकड़ा,
जागृति उद्घोष उपन्यास विवेकानंद जी पर लिखा हुआ, प्रतिद्वंदी मुखौटा ये लघु उपन्यास संकलन है, नन्हे फरिश्ते चुलबुल बुलबुल ये बाल काव्य संग्रह है, अंतरिक्ष की सैर मशीनी जिन कहानी में कहावतें, छुट्टी की मस्ती कार की सवारी ये बाल कहानी संग्रह है। इसके अलावा सौर ऊर्जा विज्ञान कल से आज तक मशीनी मानव रोबोट, भारतीय वैज्ञानिक चंद्रशेखर वेंकट रमन, डॉक्टर वैज्ञानिक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ये जीवनी वृत्तांत हैं, और स्वरूप कुमारी बख्शी का सृजन लोक, अविरल सक्रिय सर्जक डॉक्टर विद्या बिंदु सिंह समालोचना, चेहरे की लकीरें ये काव्य संग्रह है, और कई पत्र पत्रिकाओं में स्तंभ लेखन करने के साथ साथ बहुत सारी पत्र पत्रिकाओं में आपकी रचनाएं प्रकाशित भी होती रही हैं। इसके अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शन से भी आपको लगातार देखा और सुना जा सकता है। तो आदरणीय अलका जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। रॉकी अहमद सिंह पुस्तक लिखने के लिए डॉक्टर संजीव जायसवाल जी को जितना ज्यादा से ज्यादा बधाई के साथ साथ साधुवाद भी, क्योंकि इसकी जो कुछ कहानियां मैं पढ़ पाई, मुझे देर से, मतलब देर से नहीं, समय से मिली, लेकिन जब तक मिली तो अभी मैं पूरी किताब नहीं पढ़ पाई हूँ, लेकिन जितनी भी पढ़ी हैं बहुत मन को छूने वाली कहानियां हैं। और अब मैं ये चाहूंगी कि आदरणीय संजीव जायसवाल जी अपना लेखकीय वक्तव्य दें और हमें बताएं अपने इस लेखन यात्रा के बारे में, इस किताब के बारे में। राजू जी, क्षमा चाहूं, क्या पहले लोकार्पण कर लिया जाए? अच्छा ठीक है, हम पहले लोकार्पण कर लेते हैं मेरी पुस्तक। हम इसको जो है मोबाइल पे दिखा रहे हैं, फोटो क्लिक कीजिए। फोटो कौन क्लिक करेगा? चलिए, हमारे जो साथी उस पे मोबाइल पे, हमसे रिक्वेस्ट है कि फोटो क्लिक कर लें प्लीज। सुधा जी, आपका हाथ आ रहा आगे। मैं क्लिक करना चाह रही थी ना, लेकिन हो नहीं पा रहा। मैं करती हूँ, आप सभी पकड़े रहिएगा, मैं करती हूँ। थैंक यू, एक मिनट आप पकड़े रहिए, पकड़ लीजिए। बहुत बहुत आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज रॉकी अहमद सिंह पुस्तक का इस पटल पर लोकार्पण हुआ है, और अब मैं आदरणीय संजीव जायसवाल जी से आग्रह करूंगी कि वो पुस्तक के बारे में कुछ कहें। धन्यवाद राजू जी। सबसे पहले मैं आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष डॉक्टर पुनीत बिसारिया जी, मुख्य अतिथि डॉक्टर प्रभा पंत जी, विशिष्ट अतिथि अलका प्रमोद जी और विशिष्ट अतिथि आदरणीय सुधा जुगरान जी का, और इस कार्यक्रम से जुड़े अपने सभी मित्रों शुभचिंतकों का आभार प्रकट करता हूं कि आप सबने अपना बहुमूल्य समय निकाला इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए। और मैं राजुल अशोक जी का, जी आपकी आवाज चली गई है। मेरी आवाज, हेलो, हमें तो सुनाई दे रही है, हम लोगों को सुनाई दे रही है। हेलो, हाँ हाँ सुनाई दे रही है। मैं विशेष रूप से राजू अशोक जी का आभार प्रकट करना चाहूंगा कि उन्होंने स्वयं आगे बढ़कर मुझसे अनुरोध किया, बल्कि आदेश दिया कि मैं प्रकाशक के मंच पर अपनी पुस्तक का लोकार्पण करूं। ये मेरा सौभाग्य है कि आज ये पुस्तक आप लोगों के बीच में है। अगर रॉकी अहमद सिंह की बात करूं तो 1982-83 लगभग 38-39 साल पहले की बात है, मैंने कहीं दो लाइनें पढ़ी थी कि प्रेम पत्थर को भी पिघला सकता है, और दूसरा बुरे से बुरे व्यक्ति में कोई न कोई अच्छाई जरूर होती है।
तो 1982-83 का दौर था, आतंकवाद अपने देश में शुरू हो चुका था, ट्रांजिस्टर बम और स्कूटर की डिक्की में बम फटने लगे थे। तो उस समय मैंने एक कहानी लिखी थी रॉकी अहमद सिंह। उसके बाद उत्तर प्रदेश का एक बहुत ही लोकप्रिय अखबार हुआ करता था उस समय, स्वतंत्र भारत, उसमें प्रकाशित होने के लिए भेजा और 15 दिन के अंदर ही रिजेक्ट होके खेत सहित कहानी वापस आ गई। मुझे बहुत निराशा हुई और इसको मैंने रख दिया। करीब 1 साल बाद दोबारा पढ़ा तो मुझे लगा कि मैंने बहुत ही फुसफुसी खराब सी कहानी लिखी है, न तो राकी अहमद सिंह का चरित्र उभरा न उसकी प्रेमिका जूली का, तो मैंने उस कहानी को फाड़ कर फेंक दिया। तो कहानी तो फाड़ के फेंक दिया लेकिन बाहर से दूसरी लाइट चला दो, लेकिन रॉकी अहमद सिंह मेरे जहन से बाहर नहीं निकला। वर्ष पे वर्ष बीतते रहे, अक्सर लंबी अंधेरी रातों में वो मेरे सपनों में आता, मुझसे लड़ता झगड़ता चीखता चिल्लाता और कहता मुझे मुक्ति दो, मुझे जन्म दो। और मैं उससे कहता कि तुम्हारे अंदर नफरत का लावा खौल रहा है, उसकी आग में तपो, जब कुंदन बन जाना तो मेरे पास वापस आना, शायद तब तक मेरे हाथों में भी इतनी ताकत आ जाए कि मैं तुम्हारा सृजन कर सकूं। धीरे धीरे 3 दशक बीत गए और एक दिन जब बेचैनी कुछ बढ़ी तो मैंने सोचा कि अब इस कहानी को लिखना चाहिए, और 3 दिन की मेहनत के बाद रॉकी अहमद सिंह का सृजन हुआ। और शायद इस बार इस इंसान का रूप, या कहूँ कुरूपता या भयावता, विकरालता, विभत्सता, या कहूँ इसका आंतरिक सौंदर्य कुछ उभर के सामने आ गया। और शायद यही कारण है कि इस खूंखार सीरियल किलर को, जो लगातार कत्ल करता चला जा रहा बेगुनाहों का, आखिरी में पाठकों की तालियां बटोर ले जाता है। एक घिनौना चरित्र जिसे नफरत मिलनी चाहिए थी, उसे अंतिम दश में लोग सलूट करने लगते हैं। ऑस्ट्रेलिया से रीता कौशल जी आ गई हैं, पूनम पाठक जी आ गई हैं, बहुत से पाठक हैं जिनके अभी नाम उसको नहीं दिख रहे हैं, सभी का स्वागत। तो मुझसे मेरे कई दोस्तों ने कहा कि रॉकी अहमद सिंह पर एक अच्छी फिल्म बन सकती है, इसलिए मैं इसको एक उपन्यास में परिवर्तित कर दूं। लेकिन इस कहानी में इतनी कसावट है कि मुझे लगता है कि अगर मैंने उपन्यास लिखने की कोशिश की तो उपन्यास के लंबे पन्नों में शायद कसावट कुछ कम हो जाए, और अगर रॉकी अहमद सिंह का चरित्र कुछ कमज़ोर हो गया तो मैं अपने को माफ़ नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि मैं इस घिनौने इंसान से बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ। खैर, रॉकी अहमद सिंह के अलावा इस संग्रह में 12 कहानियाँ और हैं। मैंने कोशिश की है, एक ईमानदार कोशिश की है कि हर कहानी अलग अलग शैली की हो, रिपीटिशन न होने पाए, ताकि पाठकों को हर शैली का, हर रंग का स्वाद मिल सके। और ये भी कोशिश की है कि परिवेश के हिसाब से पात्रों की भाषा भी बदल जाए। जैसे अगर कश्मीर की कहानी लिखी है तो उर्दू के अल्फाजों का प्रयोग किया है, गांव के दबंगों की कहानी लिखी है तो वहाँ पे ग्रामीण अंचल की भाषा का प्रयोग किया है, अगर स्त्री पुरुष के संबंधों की बात की है तो कोशिश की है कि अश्लीलता ना आने पाए बल्कि उनका सौंदर्य उभर कर सामने आए। अब मैं अपने प्रयास में कितना सफल हो पाया हूँ ये हमारे विद्वान वक्ता बताएंगे, और आदरणीय पुनीत विसरिया जी और डॉक्टर प्रभा पंत जैसे शिक्षाविद बैठे हैं ये बताएंगे कि मुझको 100 में 33 नंबर मिल पाए या नहीं मिल पाए। कहने को तो बहुत सी बातें हैं लेकिन मुझे लगता है कि डिजिटल प्रोग्राम में लोग जल्दी उबने लगते हैं, इसलिए मैं अपनी बात समाप्त करूंगा और चाहूंगा कि विद्वान लोग अपनी बात प्रस्तुत करें। और बहुत से लोग जुड़ गए हैं, शैलजा सिंह जी जुड़ गए हैं, भावना गौड़ जी आ गई, पल्लवी पंडित जी आ गई, सुधा आदेश जी आ गए हैं, भाई नरेंद्र सिंह जी आ गए, अलंकार स्तोकी जी आ गए हैं,
पद्मा अग्रवाल जी आ गई हैं, इतनी जल्दी नाम फ्रेश हो रहे हैं हट जाते हैं कि मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ। ज्योति राय जी आ गई हैं, मैं सभी का हृदय से स्वागत करता हूँ। और देश के प्रतिष्ठित प्रकाशक किताबघर प्रकाशन को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने न केवल इस पुस्तक को खूबसूरती के साथ प्रकाशित किया है बल्कि फ्लिपकार्ट पे अर्ली बर्ड डिस्काउंट भी दे रहे हैं, मैं उनका आभार प्रकट करता हूँ। ऑस्ट्रेलिया से रीता कौशल जी आ गए हैं, रामकिशोर जी आ गए हैं, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और राजुल से अनुरोध है कि विद्वान वक्ताओं को बुलाएं, उषा अवस्थी जी को प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद संजीव जी, इन सुंदर सी कहानियों की रचना करके आपने जो रचना यात्रा के बारे में हमें बताया वो तो और भी ज्यादा दिलचस्प था। कहानियों के बारे में समीक्षात्मक दृष्टि से क्या कहा जा रहा है ये जानने की उत्सुकता लेखक का बिल्कुल हक है और अधिकार है, और उस अधिकार के साथ ही साथ उनका जो एक अंदर से मन होता है वो भी है। तो अब मैं अनुरोध कर रही हूँ आदरणीय डॉक्टर प्रभा पंत जी से कि वो इस पुस्तक के बारे में कुछ कहें, कुछ बताएं। और डॉक्टर प्रभा पंत जी को बुलाने से पहले मैं आदरणीय संजीव जायसवाल जी से ये जानना चाहूंगी कि मैं सही क्रम में जा रही हूँ। अरे बागडोर आपके हाथ में है, जैसा आप उचित समझे। तो आदरणीय डॉक्टर प्रभा पंत जी से निवेदन है कि वो इस पुस्तक के विषय में अपने विचार। आपका माइक शायद ऑफ है। जी जी बिल्कुल, मैंने खोल दिया इसको, अब आवाज आ रही है क्या मेरी? जी आ रही, जी आ रही। अच्छा, आज आपके कहानी संग्रह रॉकी अहमद सिंह का लोकार्पण हुआ, इसके लिए आपको हार्दिक बधाई संजीव जी। हम सभी उनसे परिचित हैं, बहुत विनम्र व्यक्ति हैं और साहित्यकार की तरह वो चिंतनशील हैं, अध्ययनशील रचनाकार हैं। मैंने कहानियाँ पढ़ी, मुझे ये संग्रह काफ़ी पहले प्राप्त हो गया था, लेकिन जैसा कि आप जानते ही हैं कॉलेज में बहुत ज़्यादा व्यस्तता रहती है हम लोगों की, सभी की, वैसे तो सभी की अपने अपने क्षेत्र में होती है, पर हमारे यहाँ इन दिनों एडमिशन्स वगैरह भी हो रहे हैं, क्लासेस भी हैं, और उसके अलावा जो अभी टैबलेट्स को बांटने वाली बात थी उसको लेकर भी खाते खुलवाए जा रहे हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ पाई, पर मैंने कहानियाँ पढ़ी हैं, कम से कम 5 कहानियाँ तो इसकी मैंने पढ़ी ही हैं। और इसमें जो मेरी सबसे प्रिय कहानी है वो जो क्रांति शुरू होती है, शायद ऐसा कुछ नाम है उसका, वो मुझे बहुत अच्छी लगी, बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। आजकल ये प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया, ये तमाम माध्यमों से हम देखते हैं कि जन सामान्य और समाज राजनीति के जिस कटु, मार्मिक और बीभत्स यथार्थ से लगभग प्रतिदिन ही परिचित होता रहता है, उन घटनाओं, दुर्घटनाओं, यातनाओं, व्यथाओं, संवेदनाओं को आपने जो परिदृश्य अपने उसमें दर्शाए हैं उसको आपने अपनी कल्पना कुची से बहुत ही खूबसूरत उसमें आपने रंग भरे हैं। और वो कहानियाँ केवल कल्पनाओं के रंगों से ही नहीं उभरी हैं बल्कि वो पाठकों को सोचने के लिए विवश भी करती हैं, वो मनोरंजन तो कर ही रही हैं उसके अलावा पाठकों को विवश करती हैं कि वो विचार करें इन स्थितियों के बारे में। जितना मैंने पढ़ा तो मैंने पाया कि जो आपके अधिकांश कहानियाँ आपने वर्णनात्मक शैली में लिखी हैं, बहुत अच्छे से आप एक एक चीज़ को स्पष्ट रूप से दिखाते हुए चलते हैं, रोटी, उसकी रोटी शायद ये नाम था कि गुनाह, क्रांति शुरू होती है, आखिरी सलाम, ये कहानियाँ और भी कहानियाँ मैं देख रही हूँ आपकी कि भाषा की दृष्टि से ये बहुत ही सशक्त कहानियाँ हैं, यद्यपि इसमें काल्पनिकता हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, किंतु देश, काल, परिस्थिति तथा अगर हम पात्रानुकूल भाषा का प्रयोग जब हम देखते हैं तो लगता है कि हाँ, कहानीकार ने इसे जीवंतता प्रदान की है, उसमें आप सफल हुए हैं, निश्चित रूप से हुए हैं। रॉकी अहमद सिंह और क्रांति शुरू होती है जैसी ये कहानियाँ जो है ना, वो एकदम स्पष्ट संकेत देती हैं कि जिस तरह विकृत मानसिकता सहसा जन्म नहीं लेती, इसका कारण बाल्यकालीन परिवेश,
एवं परिस्थितियां भी होती हैं। आप क्योंकि एक बाल साहित्यकार भी हैं, इसलिए मैं देख रही थी कि आप में वो चीज़ है, आप बच्चे को छू रहे हैं, आप इसमें बच्चों के बारे में भी बात करते हैं, नाम चाहे कुछ भी हो, चाहे आखिरी सलाम है उसमें बच्चे को लेकर कहानी है और पहली उसकी रोटी बच्चे को लेकर कहानी है, लेकिन वो बाल कहानी निश्चित रूप से नहीं है। हाँ, बाल विमर्श हमें ज़रूर उसमें दिखलाई पड़ता है। इसके अलावा जैसा आपने अभी कहा कि जो प्रेम प्यार इश्क मोहब्बत हम इसे चाहे जो भी नाम दें, ये एक ऐसा जज्बा है, एक ऐसा मनोभाव है जो व्यक्ति के मनोभावों को परिवर्तित करके उसे दिशाहीन होने से बचाता है, इसकी उसे सामर्थ्य वो रखता है, ऐसा हम महसूस करते हैं। और क्रांति शुरू होती है तो मुझे बेहद अच्छी लगी, अगर आप मुझे इजाज़त दें मैं थोड़ा सा पढ़ के सुनाऊँ क्या? जरूर जरूर जी। तो जब वो एक जो इसमें दुलारी है उसका आपने बहुत सुंदर चित्रण इसमें किया है, वो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। उसमें जब वो जाती है उन लोगों से वोट मांगने के लिए, वो कहती है कि उसकी पत्नी कि तुम यहाँ काहे आई, फौरन गांव छोड़कर चली जाओ, अगर ठाकुर जान गए तो काट के फेंकवा देंगे। ठाकुरान बुरी तरह घबरा गई, कटवाने से पहले अपने कुत्तों से नुचवा भी देंगे, एक औरत के शरीर का इसके अलावा और कोई उपयोग भी जानते ही तो नहीं। दुलारी क्षणांश के लिए रुकी और बोली, जो कुछ भी हुआ बताइए, उसमें मेरा क्या दोष, सिर्फ इतना है कि एक औरत हूँ, आप खुद एक औरत हैं, इसलिए बताइए कि क्या औरत होना इतना बड़ा गुनाह है कि उसके शरीर को तमाशा बना दिया जाए। हम तुम्हारा दर्द समझते हैं लेकिन हम मजबूर औरत भला का कर सकित हैं, ठकुराइन के स्वर में उसकी बेबसी झलक उठी। सिर्फ अपना वोट दे दीजिए। दुलारी ने ठकुराइन के उड़े हुए चेहरे पर दृष्टि डाली, फिर शांत स्वर में बोली, मुझे नेता बनने का कोई शौक नहीं, मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि हम औरतें मर्दों को यह संदेश दें कि हम उनके जुल्मों के खिलाफ खड़ी हो सकती हैं, ये बहुत बड़ी क्रांति होगी। तो ये जो एक शुरुआत है, और उसके बाद उसकी बहू भी आगे आ जाती है कि हाँ हम तुम्हारा साथ देंगे और गांव की जितनी औरतें हैं वो तुम्हें वोट देंगी। उसे पढ़ते हुए ना मुझे कुछ पंक्तियाँ याद आ रही थी जो ये हैं कि वक्त नहीं ये चीखने चिल्लाने का, नारे लगाने या आंसू बहाने का, घबरा कर ठहर जाने का, वक्त है एकजुट होकर कदम बढ़ाने का, गिरते को उठाने का, उठते को शिखर तक पहुँचाने का, बदलना ही होगा हमें तुम्हें, देश और दुनिया बदलने के लिए, किंतु बदलने के लिए है ज़रूरी सोच का बदलना। तो यहाँ जो जिस तरह से दुलारी का सोच परिवर्तित होता है और वो जो ठाकुर साहब है उनकी पत्नी के सोच को परिवर्तित करने के लिए प्रयत्न करती है, वो वास्तव में अद्भुत है। कश्मीर की जो आपने कहानी दिखाई है, वहाँ की जो हम भाषा देखते हैं, तो वास्तव में आपने जो कहा तो यही आपकी सबसे बड़ी मुझे ताकत इसमें नज़र आई, जो भाषा है। बाकी आपने शुरू में बताया कि पटकथा के लिए आपसे कहा गया, मुझे इसकी कहानियां ऐसी ही लगी, कई कहानियां ऐसी लगी कि हाँ इस पर कोई फिल्म बन सकती है, इस तरीके की कहानियां इसमें अधिक हैं, और वास्तव में मुझे लगता है आने वाले समय में ऐसा कुछ होगा इसमें, ऐसा मुझे विश्वास है। और मैं बोलने को बहुत कुछ है, मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगी क्योंकि अभी और भी वक्ता हैं। तो आपको बहुत बहुत साधुवाद, एक अच्छा आप कार्य कर रहे हैं और यूँ ही लिखते रहिए, आपको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद राजुल जी। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर प्रभा पंत जी। अब मैं आग्रह करूंगी आदरणीय अलका प्रमोद जी से, वो पुस्तक के बारे में अपने विचार बताएं। धन्यवाद राजुल। सबसे पहले संजीव जायसवाल जी को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगी इस उनके सद्य प्रकाशित कहानी संग्रह के लिए, और जहाँ तक इस और सभी मंच पे उपस्थित लोगों को मेरा नमन। और जहाँ तक ये कहा रॉकी अहमद सिंह पुस्तक कहानी संग्रह की बात है, तो मैं दो शब्दों में कहना चाहूँगी कि ये संवेदनाओं की सूक्ष्म पड़ताल करता कहानी संग्रह है। जो किताब घर से प्रकाशित संग्रह है, इस ये विविध वर्गों के जीवन, उनके मनोविज्ञान और संवेदनाओं का सूक्ष्म विश्लेषण है,
और इसकी सबसे बड़ी विशेषता जो मेरी दृष्टि में है कि यह इसकी 12 कहानियां जो हैं उनमें अनेकता में एकता है। अनेकता में एकता इस तरह है कि हर जो कहानी है उसका विषय नितांत भिन्न है, लेकिन उसमें जो भावभूमि है, जो उसमें सूक्ष्म विश्लेषण है मनोविज्ञान का, वो एक जैसा है। उसमें संवेदनाओं जो प्रक्षेपण है, जो संप्रेषण है, वो एक तरह का है। और दूसरी चीज जो एक सब में एक समान चीज है कि वो सकारात्मक प्रभाव छोड़ने में सक्षम है। और उनकी कहानी जो 12 कहानियां हैं इनको मैं संक्षिप्त में हर कहानी के बारे में आपसे कहना चाहूंगी कि उनकी पहली कहानी है उसकी रोटी, जिसका नायक एक निर्धन किशोर है जो रोटी की खोज में गांव से अपने माता पिता के साथ आता है और वो उनसे बिछड़ जाता है। वो भूख से परेशान भूखा प्यासा भटक रहा था कि वहीं पे उसको विवाह के आयोजन में मनोरंजन के लिए वहां के जो आयोजक हैं वो ले जाते हैं और अप्पू हाथी का लबादा पहना के उसको वहां खड़ा कर देते हैं। वो भूख की आशा, अपनी भूख मिटने की आशा में, रोटी की आशा में मान जाता है। पूरी देर वो भूखा प्यासा सबका मनोरंजन करता रहता है, लेकिन उसके बाद उसके साथ क्या होता है? क्या उसको रोटी मिली? क्या जो उसने इतनी देर श्रम किया उसका उसको प्रतिदान मिला? वही इस कहानी में बताया गया है। और अपनी संपूर्ण ईमानदारी, श्रम और प्रयासों के बाद उसे रोटी मिलती है कि नहीं, उसके साथ क्या होता है, इसको बहुत मार्मिक ढंग से लेखक ने चित्रित किया। और ये जो कहानी है ये पूरे समाज पे एक प्रश्न चिन्ह खड़ा करती है, पाठकों को सोचने के लिए विवश करती है हमारे समाज की जो ये लोगों की जो मानसिकता है उसके बारे में। इसी तरह एक कहानी है गुनाह। ये दो सखियों रजनी और रजिया की कहानी है। उन दोनों में इतना प्रेम है कि धर्म निरपेक्षता भी उनके बीच में कभी नहीं आती, पर और आतंकवाद का काला नाग भी उनको नहीं डस पाता। जब एक आतंकवादी शहरयार जो है वो रजनी का दरिंदगी से बलात्कार करके उसकी हत्या कर देता है और अनजाने में रजिया का उसी से विवाह हो जाता है, तब रजिया अपने पति के गुनाहों की क्या सजा देती है या पति धर्म का पालन करते हुए उन्हें क्षमा कर देती है, ये कहानी के अंत में ही स्पष्ट होता है। इसको बता के मैं आपकी जिज्ञासा जो है उसको समाप्त नहीं करूंगी, वही कहानी का मुख्य जान होती है। और ये गुनाह की एक लोमहर्षक कहानी है। इसमें कहानी को कुशलता पूर्वक प्रवाह और उत्सुकता का संवहन किया गया है। आतंकवादियों के अत्याचार पर लिखी मील का पत्थर कहानी है। और एक कहानी जो इस पुस्तक की शीर्षक कहानी है, इसके कहानी के जन्म के बारे में हमारे लेखक ने भी बताया, रॉकी अहमद सिंह। ये कोठे पर पैदा हुए एक युवक की कहानी है जो अपने जन्म और परिवेश के परिस्थितियों वश क्रूर अपराधी बन जाता है, और आतंकवादियों के हाथ का खिलौना, जिसको कि शहर को नष्ट करने का जुनून है, परंतु उसके जीवन में जूली आती है प्रेम के रूप में। क्या जूली के प्रेम की वृष्टि उसके मन की ज्वाला को शांत कर पाती है? क्या वह शहर को तबाह कर पाने में सफल होता है? यही उत्सुकता पाठक को अंत तक बांधे रखती है। इस कहानी में लेखक ने नायक रॉकी के मनोविज्ञान का सूक्ष्म विश्लेषण सफलतापूर्वक प्रस्तुत किया है और यही कहानी को विशेष बनाता है। और इसके बाद जो क्रांति कहानी है, जिसके बारे में अभी प्रभा पंजी ने भी कहा है, ये गांव की स्त्री के साथ हो रहे अत्याचार, पुरुषों के स्त्री को भोग्या समझने की मानसिकता और स्त्री की जागरूकता एवं संघर्ष को एक सशक्त कथानक में पिरोने हेतु मैं लेखक को बधाई देना चाहूंगी। गांव के ठाकुर को जिनके लिए स्त्री उनके पाँव की जूती है, उसके पाँव की जूती, उनकी दृष्टि में जो पाँव की जूती है गांव की युवती दुलारी, जब सामने खड़ी होकर आंखों में आंखें डालकर चुनौती देती है, तो वो इस पर घिनौने से घिनौना अत्याचार करने में ही अपने पुरुषत्व की जीत समझते हैं। परंतु हर अति का अंत होता है और जैसा कि शीर्षक से स्पष्ट है, एक ना एक दिन दुलारी के रूप में क्रांति आ ही जाती है। ऐसे संदेश, सकारात्मक संदेश देने के लिए मैं लेखक को बहुत बहुत बधाई दूंगी। आज हमारे समाज में बहुत आवश्यकता है इस तरह की कहानियों की। एक कहानी है तुम निहारिका नहीं हो। एक गरीब मेधावी युवक विनीत एवं धनी युवती निहारिका के मध्य प्रेम तंतु जुड़ जाते हैं। धनाढ्य पिता अपनी पुत्री से उसके विवाह की अनुमति देने हेतु उसको एक वर्ष के अंदर IAS बनने की शर्त रख देते हैं। परिस्थितियों वश वो IAS नहीं बन पाते। निहारिका उसे उकसाती है विद्रोह के लिए,
परंतु वो आदर्शवादी युवक है। वो कहता है, वर्जनाओं को तोड़ना हमेशा क्रांति का सूत्रपात नहीं करता, अधीरता अक्सर असफलता का कारण बन जाती है। निहारिका का विवाह कहीं और हो जाता है और वर्षों बाद जब वो अपने धनाढ्य पति के साथ मिलती है तो उसकी सोच, उसके जीवन के प्रति मापदंड सब बदल चुके होते हैं। विनीत को एक और अवसर मिलता है निहारिका को पाने का। विनीत का निर्णय ही कहानी का चरमोत्कर्ष है। इस कहानी में एक ग्रामीण परिवेश के आदर्श मानसिकता के युवक और धनी समाज की मानसिकता का अंतर कथानक का आधार है। ऐसी कहानियां अधैर्य में अनुचित राह पर जाने वाले युवाओं को कुछ देर रुक कर सोचने को विवश करेंगी, ये मेरा विश्वास है। एक कहानी है कर्ज। कहानी को मैं इस संग्रह की सर्वश्रेष्ठ कहानी मानती हूँ। मुझे ये कहानी बहुत पसंद आई और उसका कारण है कि परंपरा और संस्कारों के संरक्षण तथा विकास के मध्य के द्वंद्व, और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि उसका समाधान भी कहानी में बड़ी सुकुशलता पूर्वक ढूंढा गया है। समस्या को खड़ा कर देना तो बहुत आसान होता है, लेकिन उसका समाधान बताया जाना जो है वो लेखक का मेरे विचार से दायित्व होता है, और इसका निर्वाह लेखक ने बहुत कुशलतापूर्वक किया है। इसमें जो है उन्होंने उसका जो समाधान बताया है वो बहुत महत्वपूर्ण है। और एक आदिवासी युवक और स्त्री दोनों मेधावी हैं, दोनों अपनी जाति के लिए कुछ करना चाहते हैं, उद्देश्य के प्रति समर्पित हैं और संघर्ष से न घबराने वाले और साहसी हैं, परंतु दोनों के तरीके अलग अलग हैं और इसीलिए वो दोनों अपने अपने विचारों के अलग होने के कारण अलग हो जाते हैं। बहुत दिनों बाद, सालों बाद वो मिलते हैं तो अपनी जाति का हित करने का, और निरंतर इस कहानी की सबसे बड़ी विशेषता है कि इसमें उत्सुकता बनी रहती है कि अब क्या होगा, क्या होगा। अंत में पुत्री, जिसके जन्म से नायक अनभिज्ञ था, उनके संगम का माध्यम बनती है। कहानी में संप्रेषित सकारात्मक संदेश कहानी के को मनोरंजन के साथ साथ उद्देश्य पूर्ण सार्थकता प्रदान करता है तथा कहानी को मापदंड के उच्च सोपान पर स्थापित करता है। कहानी में नायक का ये कथन कहानी को विचार परक बनाता है और समाज को आलोकित करता है, जो मैं आपके सामने रख रही हूँ। अपनी संस्कृति और परंपराओं से प्यार करना अच्छी बात है, विकास तो प्रकृति का नियम है। अगर उसे ठुकरा कर हम अंधकार में बैठे रहने की जिद करेंगे तो क्या आने वाली पीढ़ियां हमें माफ करेंगी? अपने पिछड़ेपन और नष्ट हुए भविष्य के लिए क्या वो हमें दोषी नहीं ठहराएंगी? अपनी संस्कृति, अपनी परंपराओं और प्रकृति से तो पशु भी चिपके रहते हैं, लेकिन अपनी संस्कृति की रक्षा करते हुए विकास के पथ पर अग्रसर होना ही मनुष्यता की पहचान है, और मनुष्य का यही गुण उसे दूसरे प्राणियों से श्रेष्ठ बनाता है। क्या हमें अपनी श्रेष्ठता त्याग देनी चाहिए? इन पंक्तियों के माध्यम से हमारे जो लेखक हैं उन्होंने बहुत बड़ा संदेश दिया है कि हमको विकास के लिए जो है कुछ बदलना भी पड़ेगा, अपने विकास के लिए अपनी संस्कृति का संरक्षण करते हुए हमें पथ पर अग्रसर होना पड़ेगा। इसमें प्रतिशोध कहानी एक डॉक्टर युगल की कहानी है, जो अपने व्यवसाय के प्रति समर्पण और एक दबंग से मुठभेड़ की कहानी है। महिला डॉक्टर मीता के पास एक घायल मरीज आता है जिसे गोली लगी है। तभी एक दबंग का उसके पास फोन आता है कि उसको ना बचाया जाए। वो धमकी देता है, लेकिन डॉक्टर जो है वो अपना कर्तव्य पूरा करती हैं, जिसका उन्हें घातक परिणाम झेलना पड़ता है। संयोग से वही दबंग राणा घायल होकर मीता के अस्पताल में आता है। डॉक्टर किस प्रकार से प्रतिशोध लेती है वही कहानी का मूल संदेश है। वो प्रतिशोध लेती हैं, उसका क्या परिणाम होता है ये आप कहानी में पढ़िएगा, और मुझे विश्वास है कि आप डॉक्टर के जो विचार हैं उनको आप बहुत, और उनका जो कृत्य है उसको आप सराहे बिना नहीं रहेंगे। एक कहानी है आखिरी सलाम। देश के वीर सैनिक के शहीद होने पर उसके नन्हे बेटे मोहित की प्रतिक्रिया अत्यंत भावुक विवरण है। ये मुझे विश्वास है जो भी पाठक इसको पढ़ेगा उसके आंखों में आंसू आए बिना नहीं रहेंगे। शहीद की कुर्बानी तो सब देखते हैं और सराहते हैं, परंतु उसके परिवार की बहादुरी, दृढ़ संकल्प और त्याग को इस कहानी के माध्यम से भली भांति समझा जा सकता है। ये कहानी अपने मार्मिक शाब्दिक चित्रण से पाठक को अंतर्मन तक स्पष्ट हो जाती है और मन पर गहराई से हस्ताक्षरित हो जाती है। कहानी बेड़िया, ढोंगी तथा कथित धर्म गुरुओं का कच्चा चिट्ठा खोलती कहानी है। इसी प्रकार व्हाइट मेलिंग की नायिका नेहा कॉलेज में नियुक्त नई अध्यापिका है,
जो सुंदर है, योग्य है, काम के प्रति समर्पित है, उसको उसके कॉलेज के जो सहयोगी होते हैं, सहकर्मी होते हैं, वहाँ के मालिक देशराज की बदनीयति के बारे में बताते हैं, पर उनका इतना अच्छा व्यवहार होता है कि उसे विश्वास नहीं होता। लेकिन एक दिन उसका इन परिस्थितियों से सामना हो ही जाता है, तब नेहा क्या करती है, समझौता या विरोध? यदि विरोध करती है तो क्या वो उस चंगुल से निकलने में सफल हो पाती है? यही कहानी का चरमोत्कर्ष है। नारी विमर्श को पोषित करती है कहानी, उस नायिका समाज के कहानी और उसकी नायिका समाज के लिए उत्तरण। कहानी मंजिल के करीब की नायिका फिल्म लाइन में प्रवेश करने वाली युवती दीपा है, जिसको अपने जीवन में क्या क्या सहना पड़ता है और किस तरह से वो उसका सामना करती है, इसको बड़ी कुशलता से लेखक ने दिखाया है। संग्रह की अंतिम कहानी है सूरज की पहली किरण। दो अवियों की अर्थात अविनाश और अविनिका की एक अद्भुत प्रेम कहानी है, जिनके मध्य एक दूसरे के साथ स्पष्ट प्रतियोगिता होती है। बीच में दोनों परिस्थितियों वर्ष दूर हो जाते हैं और एक लंबे अंतराल के बाद अनायासी मिल जाते हैं। उनकी आपस में हार जीत की प्रतियोगिता पुनः प्रारंभ हो जाती है। उनके मध्य की प्रतियोगिता का परिणाम ही उनके जीवन की दिशा तय करता है। ये कहानी मन की कोमल भावनाओं, जीवन के मूल्यों और आपसी चुहल के साथ मन और मस्तिष्क दोनों को खाती है। सारांश ये है कि सभी कहानियाँ उत्तम कहानी के मापदंड पर खरी उतरती हैं। उनका कथानक रोचक है, कथा शिल्प उत्कृष्ट है, भाषा लालित्यपूर्ण और कहानियों को प्रवाह देने में सहायक है। कहानियों का चरमोत्कर्ष पाठक को बांधे रखने में समर्थ है। मुझे विश्वास है कि यह संग्रह हिंदी के कथा संसार में अपना महत्वपूर्ण स्थान बनाएगा। लेखक को एक बार पुनः हार्दिक बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद अलका जी। इस बीच राजेश राज जी, न्यायाधीश सुदीप जायसवाल जी, निरंजन बर मिश्र जी और पल्लवी पुंडीर जी, सुरेश सौरभ जी, पूनम पाठक जी, सुधा आदेश जी, पूनम अहमद जी, प्राची भारद्वाज जी, रोचका शर्मा जी, ऑस्ट्रेलिया से रीता कौशल जी, उषा अवस्थी जी, निरंजन बर मिश्र जी, बहुत सारे मित्र जुड़ गए हैं। मैं सभी का आभार प्रकट करता हूँ। सविता जोशी जी भी आ गई हैं और जिन लोगों के नाम मुझे अभी नहीं दिखाई पड़ रहे हैं उनको मैं बाद में व्यक्तिगत रूप से आभार प्रकट करूंगा, कृपया स्नेह बनाए रखिएगा। सभी के नाम स्क्रीन पर डिस्प्ले नहीं हो पा रहे हैं। जी राजन जी, आदरणीय राजेश राज जी भी है हमारे साथ। राजेश राज जी भी हैं। हाँ, बहुत बहुत आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और अलका जी, बहुत इतने सुंदर ढंग से आपने हर कहानी के बारे में बात की, वो बिल्कुल मन को छू गया। आखिरी सलाम का आपने जिक्र किया था तो मैं सच कहूंगी, भूख वाली वो जो कहानी थी वो मेरी पढ़ी हुई है और रॉकी अहमद सिंह भी मैंने पढ़ी है और दो दो बार पढ़ी है वो कहानी। तो मैंने तो जब पुस्तक मेरे हाथ में आई थी तो मेरे मन में सबसे बड़ी जो जिज्ञासा जागी, तो मुझे लगा कि खुद का जो होता ना एक प्रश्न आगे पलटते हुए, अब कौन सी कहानी पढ़ी जाए। ये दो कहानियां तो हमने पढ़ी हुई है, ये बाद में पढ़ते हैं, ये देखते हैं कौन सी कहानी। आखिरी सलाम में शुरुआत में कुछ बच्चे की बात थी और वो कहानी जब देखनी शुरू की तो सच में वो कहानी ऐसी थी कि पढ़ते पढ़ते आंखें नम हो गई। बहुत सुंदर कहानी और इसके लिए संजीव जी को बहुत बहुत साधुवाद। और अब मैं निवेदन करूंगी सुधा जुगरान जी से कि वो अपनी बात कहें। धन्यवाद राजुल जी, इस बीच तो बहुत सारी चीजें हो गई, फोन भी आ रहे हैं कई इसी में। सभी कहानियों में बहुत कुछ कहा जा चुका है पर फिर भी मैं भी अपनी बात कहूंगी। मंच पर उपस्थित माननीय डॉक्टर पुनीत विसारिया जी, डॉक्टर प्रभा पंत जी, लेखिका अलका प्रमोद जी और आज के केंद्र बिंदु साहित्यकार संजीव जायसवाल संजय जी का हार्दिक अभिवादन और अभिनंदन करती हूँ। साथ ही तहे दिल से बधाई देती हूँ संजीव जी को उनकी नवीनतम पुस्तक रॉकी अहमद सिंह के लिए। यूं तो किताब घर से प्रकाशन, किताब घर जैसे प्रकाशन से प्रकाशित पुस्तक अपना परिचय आप ही दे देती है, लेकिन पुस्तक के विषय में
आपकी आवाज चली गई शायद, सुधा जी की आवाज सुनाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है? आप सुनाई, आप सुनाई दिया, हाँ प्लीज हो गई थी। हाँ अभी तक इस पुस्तक पे बहुत समीक्षाएं लिखी जा चुकी हैं और मैंने सभी समीक्षाएं पढ़ी हैं और हर बार मुझे एक नया एंगल और एक नया नजरिया सामने आया, लेकिन सभी समीक्षाओं में एक बात तो मुझे समान रूप से महसूस हुई, यह पुस्तक हर पाठक की रुचि के अनुसार अच्छा पढ़ने की ललक को शांत करती है और पढ़ते हुए एक रास्ता से भी बचाती है। इसीलिए इसमें हर समीक्षक कुछ अलग मोती चुनकर सामने ले आता है। दरअसल पुस्तक की 12 कहानियां इतनी विविधता लिए हुए है जैसे किसी संगम स्थल पर छोटी बड़ी जल धाराएं मिलकर एक रमणीय स्थान का स्थल का निर्माण करती है, वैसे ही साहित्य की छोटी बड़ी अलग अलग भावों सुगंध व कलेवर को समेटे कहानियां इस सुंदर पुस्तक का की रचना करती है। यह संजीव जी की कथ्य कौशल का कमाल है और वे अलग अलग पाठकों की रुचि की कहानियां लिख पाते हैं। कहानी संग्रह में जहां विशुद्ध साहित्यिक कहानियों की गहराई है, वहीं प्रेम कहानियों की महकती खुशबू है। नकारात्मक पात्रों के जीवन की कुरूपता से लड़ने की कश्मकश का जीवंत चित्रण है, तो गरीबी भूख व चमकती रुपहली फिल्मी दुनिया के पीछे के सच को उजागर करने की कोशिश भी है। कहीं आदिवासी समाज की अपने जंगल व जंगल की संपदा को बचाने की एक मजबूत जद्दोजहद है, तो कहीं धनाढ्य वर्ग की महिलाओं के जीवन की अतृप्ति के सच को सामने लाने का प्रयास है। कहना न होगा कि यह संग्रह विविध कलेवर की कहानियों की एक ऐसी निर्झर सुधा जी का नेट शायद कुछ गड़बड़ था। सुधा जी आवाज चली गई आपकी शायद। हाँ उनका नेट शायद कुछ गड़बड़ कर रहा है। अब आप सुनाई दे रहा? जी जी हाँ, आप सुनाई दे रहे हैं। वैसे भी संजीव जी हर उम्र के पाठक के लेखक हैं और उन्हें प्रिय हैं। एक तरफ तो वे बालपन लिए वे भोली भाली कहानियां लिखते हैं, तो दूसरी तरफ तलवार की धार लिए तीखे व्यंग। कहां प्रेम की खुशबू लिए विशुद्ध प्रेम की सुकोमल भाव वाली कहानियां और कहां कुरूप सामाजिक सत्य की बखिया उधेड़ती रचनाएं। यह तय नहीं किया जा सकता कि संजीव जी की कलम किस उम्र के पाठकों के लिए बेहतर साहित्य रच सकती है अथवा किस तरह की कहानियों को बेहतर तरीके से पाठकों के सामने ला सकती है। शायद ऐसे ही साहित्यकार के लिए कहा गया है, शब्दों के बहते समुद्र में मैं कलम की नौका पर सवार हूँ जो सबके मन की बात कह दे, मैं वह छोटा सा कलाकार हूँ। भाषा की शुद्धता, सुंदर शब्द संयोजन, स्पष्ट दृश्य चित्रण और मुहावरेदार वाक्य संजीव जी की लेखनी की खासियत है। उनके कहानियों के वाक्य हृदय में कहीं गहरे बैठ जाते हैं। शायद उन्हें रचते हुए वे भी नहीं जान पाते होंगे कि वे अनायास ही इतना बेहतरीन रच रहे हैं। मैं यहाँ पर कुछ कहानियों के वाक्यों को प्रस्तुत करना चाहूंगी, जैसे ये उसकी रोटी कहानी के दो वाक्य हैं, जुलूस पर लाठी चार्ज हो रहा है और किस तरह से वो कहा गया है कि भूखों की भीड़ पर बरसा आवाज चली गई फिर रंक और राजा भूख और वैभव के भूखों की कहा था वहां से आवाज चली गई थी आपकी। हाँ भूखों की भीड़ पर बरसा बरसा कर लाठी की भूख मिटाई जाने लगी। रंक और राजा भूख और वैभव
के मध्य युगों युगों से चले आ रहे रिश्तों पर नवीनीकरण की मुहर लगने लगी। छोटा सा बच्चा अपने माता पिता को जुलूस में बिछड़ जाता है और ढूंढ रहा है। शाम हो गई, कोई उसके पास नहीं है, लेकिन भूख समीप आकर आ जाती है। भूख बच जात को न समय को समय का ध्यान और न अच्छे बुरे हालात का। उसने उसे ठेलने की बहुत कोशिश की पर सब व्यर्थ। कहानी गुनाह में रजिया और रजनी दो सहेलियां, जिसमें रजिया का अपहरण होकर रजनी का अपहरण होकर मर्डर हो जाता है बलात्कार के बाद। रजनी माँ से पूछती है उसका क्या कसूर था, तो माँ कहती है कि उसका सबसे बड़ा कसूर था कि वह एक औरत थी। औरत को मिले इनाम व सजा में ज्यादा अंतर नहीं होता, सिर्फ हासिल की गई रजा और थोपी गई ख्वाहिश का ही फर्क है। गुनाह कहानी का ये वाक्य है। और क्रांति शुरू होती है कि दुलारी विधायक जो उसी की जाति का है उसके साथ अनाचार करता है, उसको बार बार जाति की दुहाई दे रही है। दुलारी बार बार अपनी जाति की दुहाई देती है। मूर्ख को मालूम न था जाति सिर्फ दो ही होती है, एक शोषक दूसरी शोषित। एक का धर्म शोषण करना है, दूसरे का कर्म शोषित होना है। कहानी कर्ज में नायक और नायिका दोनों का उद्देश्य एक ही है। दोनों ही अपने समाज अपने संपदा अपने जंगल की संपदा को बचाना चाहते हैं। एक उसको बचाना चाहता है, एक उसको बचा करके विकास के रास्ते पर बढ़ना चाहता है। तो नायिका का भी वही उद्देश्य है, नायक का भी वही उद्देश्य है, लेकिन नायक का रास्ता दूसरा है, नायिका का रास्ता दूसरा है। अपनी संस्कृति अपनी परंपराओं और अपनी प्रकृति से तो पशु भी चिपके रहते हैं, लेकिन अपनी संस्कृति की रक्षा करते हुए विकास के पथ पर अग्रसर होना ही मनुष्यता की पहचान है। और मनुष्य का यही गुण उसे दूसरे प्राणियों से श्रेष्ठ बनाता है। कहानी व्हाइट विलमेलिंग का ये सेंटेंस है, हाँ भाई ढूंढ ढूंढ कर खूबसूरत पक्षियों से अपना पिंजरा सजाते हैं। नायिका स्कूल में पढ़ाने जाती है और उसके सहकर्मी बोल रहे हैं प्रबंधक के लिए कि हाँ भाई ढूंढ ढूंढ कर खूबसूरत पक्षियों से अपना पिंजरा सजाते हैं। एक ये वाक्य ही प्रबंधक जो स्कूल का है उसके चरित्र के बारे में बहुत कुछ कह जाता है। सूरज की पहली किरण प्रेम कहानी है, जो एक नायक और नायिका एक दो वाक्य बोलते हैं हमेशा एक दूसरे से। वो ये दो वाक्य कई बार आते हैं कहानी में। नायिका कहती है मैं हारना नहीं जानती और नायक कहता है मैं जीतना नहीं छोड़ूंगा। ये दोनों वाक्य कहानी में बहुत रोमांच पैदा करते हैं। लगभग सभी कहानियों में ऐसे अनेकों वाक्य हैं जो भाषा का श्रृंगार करते हैं और साथ ही एक ही वाक्य में बहुत कुछ कहानी का सार पाठकों तक पहुंचा देते हैं। ऐसे दमदार वाक्य और स्पष्ट दृश्य चित्रण व कथ्य कौशल एवं कहानियों का बड़ा कैनवास, यह सब मिलकर संजीव जी की एक एक कहानी पढ़ते हुए एक उपन्यास पढ़ने जैसा एहसास देती हैं। तो यहाँ पर सिर्फ क्योंकि इतनी सभी कहानियों के बारे में बात हो चुकी है, मैं दो तीन कहानियों का ही जिक्र करना चाहूंगी। साहित्यिक सुगंध लिए कहानियां उसकी रोटी और क्रांति शुरू होती है। ये दोनों कहानियां अपनी विषय वस्तु व कथ्य शैली के कारण बेजोड़ हैं और दिल पर गहरी छाप छोड़ती है। एक रोटी की भूख उस नन्हे से बच्चे से क्या कुछ नहीं करवाती। रोजी रोटी की तलाश में माता पिता के साथ शहर आया बच्चा एक जुलूस में लाठी चार्ज के दौरान हुई भगदड़ में अपने माता पिता से बिछड़ जाता है। वह अपने माता पिता को ढूंढ रहा है, भूख से बेहाल है। एक अदद रोटी को तरसते उस बच्चे को
को एक रोटी पाने के लिए क्या क्या पापड़ बेलने पड़ते हैं, लेकिन रोटी उसे तब भी नसीब नहीं होती। इसका बहुत ही दारुण वर्णन कारुणिक दृश्य चित्रण द्वारा संजीव जी ने किया है, जो पाठक के हृदय को दुख से घायल कर देता है। उस नन्हे बच्चे की मजबूरी से दिल किसी तरह संभाले पाठक, क्रांति शुरू होती है कि दुलारी के हिम्मत के मुरीद हो जाते हैं। दुलारी दलित है, लेकिन सामाजिक तौर पर आकलन करें तो जाति दो ही होती है, वस्तुतः दो ही होती है, क्योंकि शोषक एक शोषक और दूसरा शोषित। दुलारी शोषित जाति का चेहरा है, इसलिए जब गांव का ठाकुर उसके साथ अनाचार करता है तो वह मजबूरी में सह जाती है, लेकिन जब उसी की जाति का विधायक उसके साथ अनाचार करता है तो उसका ठाकुराना व्यवहार वह बर्दाश्त नहीं कर पाती और ठाकुर परिवार की स्त्रियों के साथ विद्रोह का बिगुल बजा देती है। स्त्री जब तक देवी बनी रहती है बहुत कुछ गलत सही सहती है, बहुत कुछ अनाचार सहती है, लेकिन जब वह काली का रूप धारण कर लेती है तो चिंगारी बनते देर नहीं लगती। दुलारी वही चिंगारी बन जाती है। यलगार का एक ही स्वर काफी होता है, एक ही स्वर विद्रोह का काफी होता है, कारवा बनते देर नहीं लगती, ठाकुर परिवार की स्त्रियां उसके साथ हो जाती। शीर्षक कहानी रॉकी अहमद सिंह, जो इस पूरे संग्रह की एक सशक्त कहानी भी है और एक नकारात्मक किरदार पर आधारित कहानी है। वैश्या के कोठे पर वैश्या के कोख से पैदा हुआ रॉकी अहमद सिंह अपने अनदेखे जनक, अपने अनदेखे पिता से इतनी नफरत करता है कि उसे पूरे शहर से नफरत है, यहाँ तक कि उसे खुद से भी नफरत है, क्योंकि उसके रगों में उस निकृष्ट इंसान का खून दौड़ रहा है। तो उसकी इस मानसिकता का फायदा एक गुंडा, एक भाई उठाता है पूरे शहर को ब्लास्ट से उड़ाने का सौदा करता है उसका। लेकिन ठीक मौके पर उसकी जो प्रेमिका है उसकी याद, जूली की याद प्रेरणा बनकर उसे अनर्थ करने से रोक लेती है और वह उस भाई का ही घर बम से उड़ा देता है। ये संकेत करती है कहानी की प्रेम शक्ति होती है कि रॉकी अहमद सिंह जैसे गुंडे का हृदय भी परिवर्तित कर देती है। कहानी का अंत बहुत सुकून देने वाला है कि इंसानियत अभी भी हर एक के अंदर जिंदा है, बस उसे जगाने की जरूरत है। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कहानी जो बहुत ही मार्मिक कहानी है इस संग्रह की, वो है आखिरी सलाम। इसका नायक एक 5 वर्षीय बच्चा है जो पाठकों की स्मृतियों में कहीं उलझ कर रह जाता है पढ़ने के बाद, क्योंकि कैसा लगता है जब उनका पिता, उन बच्चों का पिता या किसी भी बच्चे का पिता जो खिलौने लाने का वादा करता है और उसके बजाय उनका पिता तिरंगे में लिपटे हुए घर आता है। उस बच्चे की क्या बीतती है ऐसे बच्चों पर, ये कहानी उस बच्चे की जो कुछ वो सोच रहा है, महसूस कर रहा है, उसको इतना करुणिक भाव लिए, इतने करुणिक वर्णन इस नन्हे बच्चे का किया हुआ है कि वो आंखें झिलमिलाती रहती हैं पाठकों की। कहानी का वो बच्चा कहानी के अंत में मिलिट्री की ड्रेस पहने अपने पिता को आखिरी सलाम देता है तो दिल संभालना मुश्किल हो जाता है। बहुत ही मार्मिक कहानी है पूरे संग्रह की। बाकी तो सभी कुछ कह दिया गया, सभी कहानियों का इतने डिटेल में अलका प्रमोद जी ने बता दिया है। संग्रह की सभी कहानियां बहुत ही विशेष हैं। मैं फिर से एक बार सब इस सुरुचिपूर्ण और पुस्तक बधाई देती हूँ और सभी अपने श्रोता के रूप में प्रियजनों को और मंच पे उपस्थित सभी माननीय अतिथियों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सुधा जी। इस बीच प्रकाश चमोली जी, विभू रंजन जी, रंजना जायसवाल जी, डॉक्टर के रानी जी, डॉक्टर विमला भंडारी जी, अमिता दुबे जी,
और बहुत से दूसरे मित्र आ गए हैं, सबका हृदय से आभार। राजू जी शायद अमिता दुबे जी का वीडियो होगा, मैं वही चलाने जा रही हूँ। आप इस समय डॉक्टर पुनीत विसारिया, शायद उनका नेट थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा है। हमारे पास डॉक्टर अमिता दुबे का एक संदेश है वीडियो के रूप में, वो हम देख लेते हैं। नमस्कार, वरिष्ठ रचनाकार श्री संजीव जायसवाल संजय के सद्या प्रकाशित कहानी संग्रह रॉकी अहमद सिंह के लोकार्पण समारोह में आप सबको नमन करते हुए मैं अत्यंत हर्ष का अनुभव कर रही हूँ। भाई संजीव जायसवाल संजय जी का ये 14वां कहानी संग्रह है। आपने अनेक उपन्यास लिखे हैं, व्यंग के क्षेत्र में भी आपकी सार्थक दस्तक है। लगभग 1100-1200 रचनाएं आपकी विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हो चुकी हैं। ऐसे वरिष्ठ रचनाकार का ये कहानी संग्रह रॉकी अहमद सिंह अपनी विशिष्ट लेखनी के कारण, अपने विशिष्ट कथ्य के कारण और अपने विशिष्ट कहन शैली के कारण पाठकों के बीच चर्चित होगा, लोकप्रिय होगा, इसे और इसे रचकर संजीव जायसवाल संजय जो लेखकी आनंद प्राप्त हुआ है, वही लेखकी आनंद हमें पाठक के रूप में प्राप्त हो, यही मेरी शुभकामना है। संजीव जी की कहानियां मैं निरंतर पढ़ती रहती हूँ विभिन्न पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से भी, और इस इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भी उनकी रचनाएं हम जानते और समझते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं। जो इस पुस्तक का शीर्षक है रॉकी अहमद सिंह, ये स्वयं में आकर्षक शीर्षक है और जिज्ञासा उत्पन्न करने वाला शीर्षक है। मैं इनकी इन कहानियों के बारे में आपसे बहुत लंबी बातचीत नहीं करने जा रही हूँ, क्योंकि ये कहानियाँ स्वयं आकर्षित करती हैं और इन्हें पढ़ने की अगर मन में जिज्ञासा होगी तभी हम इस संग्रह को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ सकते हैं, पढ़ेंगे भी। और एक लेखक के लिए यही सबसे बड़ी शुभकामना होती है कि उसके पाठकों की संख्या निरंतर बढ़े, और यही शुभकामना मैं संजीव जी को देना चाहती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद डॉक्टर अमिता दुबे, वीडियो के माध्यम से उनका संदेश हम तक पहुंचा। और रुचिका शर्मा जी ने कहा है, बहुत सुंदर बात कही है अमिता दुबे जी, आदरणीय संजीव जी सचमुच बहुत ही श्रेष्ठ रचनाकार हैं। और विमला भंडारी जी ने कहा है कि अमिता जी, मैं भी संजीव जी की कहानियां बहुत रुचि से पढ़ती हूँ। कार्यक्रम में अब मैं अनुरोध कर रही हूँ आज के इस कार्यक्रम के अध्यक्ष डॉक्टर पुनीत विसारिया जी से कि वो आकर इस पुस्तक के विषय में, डॉक्टर संजीव जायसवाल संजय जी के विषय में अपने विचार व्यक्त करें। डॉक्टर पुनीत विसारिया जी, सिग्नल खराब नहीं है वहां, मुझे लगता है वीक है। हाँ, उन्होंने अपना माइक भी म्यूट कर रखा है, किसी और दूसरे डिवाइस से आ रही हैं। अच्छा, जुड़ नहीं पाए हैं। सुधा देव जी ने कहा है, संक्षिप्त एवं सार्थक संदेश दिया है आपने अमिता जी, आगे हैं डॉक्टर बिसारिया।
हेलो, क्या आप इस जी हेलो हाँ जी जी डॉक्टर भिसारी, आपकी आवाज हेलो जी हेलो हाँ डॉक्टर साहब, आवाज कुछ कट रही है। हेलो आवाज संजीव जी, अगर आपकी अनुमति हो तो तब तक मैं इस कहानी का एक छोटा सा अंश पढ़ती हूँ जब तक डॉक्टर पिसारे आ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल स्वागत है। जिस कहानी की चर्चा हुई थी, आखिरी सलाम, उस कहानी के का शुरू का थोड़ा हिस्सा, और मुझे पूरी उम्मीद है कि तब तक शायद आ ही जाए डॉक्टर बिसारिया, फिर से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। 5 बजे मोहित आज डॉक्टर बिसारिया लगातार जुड़ रहे हैं, पूरी कोशिश कर रहे हैं जुड़ने की। मैं तब तक कहानी पढ़ती हूँ। 5 वर्षीय मोहित आज काफी देर से सोकर उठा था। किसी ने उसे जगाया ही नहीं था। घर का माहौल भी आज कुछ बदला हुआ सा था। चारों ओर अजीब सी खामोशी भरी चहल पहल छाई हुई थी। चाचा चाची, मामा मामी, बुआ फूफा और जाने कितने रिश्तेदार घर में मौजूद थे। सबको देख मोहित का चेहरा खिल उठा, किंतु आज किसी ने भी उसे गोद में उठाकर प्यार नहीं किया। वो हेमंत चाचा, विकास मामा या रीता मौसी, जिसके पास भी गया उसने सिर्फ उसके बालों को सहला दिया और आगे बढ़ गए। किसी ने उससे बात नहीं की। ऐसा लग रहा था जैसे सभी बहुत व्यस्त हैं। सभी का बदला व्यवहार और चेहरों पर छाई खामोशी मोहित को अजीब सी लग रही थी। वो टहलता हुआ बाहर आया। वहां का भी माहौल बदला हुआ था। घर के बाहर सड़क पर जहां तक दृष्टि जाती थी, फूल पत्तियों से सजे ऊंचे ऊंचे द्वार बने हुए थे। आसपास के मकानों को भी झाड़ियों से सजा दिया गया था। मोहित को याद आया कि इससे मिलती जुलती सजावट पिछले वर्ष हेमंत चाचा की शादी में हुई थी, किंतु आज तो किसी की शादी थी नहीं, फिर इतनी सजावट क्यों? डॉक्टर बिसारिया अभी तक जुड़ नहीं पाए हैं, हम इंतजार कर रहे हैं। कुछ आकर भी अपने प्रश्न का उत्तर नहीं खोज पाया। तभी उसे अपना 10 वर्षीय बड़ा भाई रोहित आता दिखाई पड़ा। भैया को जरूर सब मालूम होगा, मोहित ने सोचा और दौड़कर उनका हाथ पकड़ते हुए बोला, भैया भैया ये सब सजावट किस लिए की गई है? 8 बजे की फ्लाइट से हमारे पापा आ रहे हैं, रोहित ने गंभीर स्वर में बताया। कारगिल से? मोहित की आंखें खुशी से चमक उठी। पापा के आने की खबर थी इतनी बड़ी? कारगिल से नहीं, कारगिल से, रोहित ने संशोधन किया। भैया आज किसी की शादी है क्या? मोहित ने रोहित के संशोधन पर ध्यान दिए बिना दूसरा प्रश्न किया, नहीं तो फिर इतनी सजावट क्यों की गई है? मोहित की जिज्ञासा उसकी खुशी के ऊपर हावी होने लगी थी। यह सुन रोहित के चेहरे पर विचलित होने के चिन्ह दिखाई पड़ने लगे। उसने आंखें बंद करके कुछ सोचा, फिर बोला, किसी बड़े आदमी के आने पर भी ऐसी सजावट की जाती है। तो क्या हमारे पापा बड़े आदमी हो गए हैं? मोहित ने तत्काल प्रतिप्रश्न किया। हाँ सच? मोहित का चेहरा खुशी और गर्व से चमक उठा। हाँ भाई, हमारे पापा बहुत बड़े आदमी हो गए, इतने बड़े कि कोई उन्हें छू भी नहीं सकता। ना चाहते हुए भी रोहित की आवाज भर्रा गई। डॉक्टर बिसारिया हमारे बीच आ गए हैं। डॉक्टर बिसारिया से बात हुई, वो जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं अभी। हाँ, अब तुम अपना कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा हम लोग इंतजार कर लेते हैं। हाँ तो मैं ये जारी रखूं कहानी? जी 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 लेकिन मैं तो उन्हें छूंगा भी और उनकी गोद में बैठकर खेलूंगा भी, मोहित मचल उठा। फिर रोहित का हाथ पकड़कर मासूमियत से पलके झपकाते हुए बोला, भैया पापा को घोड़ा बनाकर उन पर सवारी करेंगे, बहुत मजा आएगा, मम्मी डांटेंगी फिर भी नहीं उतरेंगे। रोहित ने कोई उत्तर नहीं दिया तो मोहित ने उसका हाथ झिझोड़ते हुए पूछा, भैया बताओ ना, पापा के साथ खेलोगे या नहीं? मोहित, अब हम पापा के साथ कभी नहीं खेल पाएंगे, रोहित ने अपने स्वर को भरसक नियंत्रित करने का प्रयास किया। क्या तुम उनसे नाराज हो?
मोहित ने एक बार फिर मासूमियत से अपनी पलकें झपकाई। इस उन रोहित अपने ऊपर नियंत्रण नहीं रख सका, उसका धैर्य समाप्त हो गया और वो मोहित को लिपटा कर हपक पड़ा। मेरे भाई, हमारे पापा से तो कोई नाराज हो ही नहीं सकता, उनसे तो पूरा देश प्यार करता है। मोहित की समझ में ही नहीं आया कि भैया रो क्यों रहे। वो कुछ कहने जा रहा था कि तभी दादाजी उधर से निकले। रोहित को रोता देख वे ठिठक कर रुक गए। अपनी कांपती आवाज को भरसक कड़ा कर उन्होंने रोहित के सिर पर हाथ फेरा और बोले, तुम तो समझदार हो बेटा, ऐसे मौके पर रोया नहीं जाता है। मुझे अपने बेटे पर गर्व है, तुम्हें भी अपने पापा पर गर्व होना चाहिए। दादाजी, मैं रो नहीं रहा था बल्कि मोहित को समझा रहा था। रोहित ने कमीज की आस्तीन से अपनी आंखें पोछी और फिर बोला, मुझे भी अपने पापा पर गर्व है। देखिएगा, उनका स्वागत सबसे पहले मैं ही करूंगा। शाबाश बेटा, दादाजी ने रोहित की पीठ थपथपाई, फिर चश्मा उतार कर अपनी आंखें पोछने लगे। वे ऐसा प्रदर्शित कर रहे थे जैसे उनकी आंख में कुछ पड़ गया है, लेकिन रोहित जानता था कि उसको समझाने वाले दादाजी खुद अपने आंसुओं को रोक नहीं पा रहे हैं। रोहित और दादाजी का वार्तालाप मोहित की समझ से परे था। चलो मम्मी से पूछा जाए, वे जरूर सब समझा देंगे, मोहित ने सोचा और फिर चुपचाप वहां से हट गया। मम्मी को ढूंढता ढूंढता वो बैठक कक्ष में पहुंचा। वहां का माहौल भी बदला हुआ था। सारा फर्नीचर हटाकर जमीन पर सफेद चादर बिछा दी गई थी। मम्मी अनेक औरतों से घिरी गुमसुम सी बैठी थी, उनकी आंखें शून्य में निहार रही थी। मम्मी को इस तरह जमीन पर बैठा देख मोहित को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने नाराजगी भरे स्वर में कहा, मम्मी आप यहाँ बैठी हैं, पापा आने वाले हैं, चलिए उनके लिए अच्छी अच्छी चीजें बनाइए वरना वो नाराज हो जाएंगे। ये सुन मम्मी का चेहरा कांप उठा, उनके होंठ थरथरा कर रह गए। ऐसा लग रहा था कि वे कुछ कहना चाह रही हैं किंतु भावनाओं को स्वर दे पाने में असमर्थ हैं। मोहित, चलो तुम्हें दूध पिला दूं। तभी रीता मौसी ने स्थिति संभालने की कोशिश की, मैं तो आज पापा के हाथ से ही दूध पीऊंगा, मोहित ने अपना फैसला सुना दिया। बेटा, मम्मी का स्वर कांप उठा, उन्होंने मोहित को खींच कर अपने सीने से लिपटा लिया। मोहित को बड़ा अजीब सा लगा, पहले भैया ने उसे अपने गले से लिपटा लिया था, अब मम्मी भी ऐसा ही कर रही थी, पता नहीं क्या बात है। वो कुछ कहने जा रहा था कि तभी बाहर नारे सुनाई पड़ने लगे, मेजर भवानी सिंह अमर रहे, देश का बेटा कैसा हो मेजर भवानी सिंह जैसा हो, शेर ए हिंद भवानी सिंह की जय। शोर सुन मोहित मम्मी की गोद से निकल बाहर की ओर दौड़ा। भैया के स्कूल के बच्चे जुलूस की शक्ल में नारे लगाते हुए उसके घर की ओर ही आ रहे थे। सभी ने अपने हाथों में तिरंगी झंडियां थाम रखी थी। मोहित के समझ में ही नहीं आया कि सभी लोग उसके घर की तरफ क्यों आ रहे हैं और वे उसके पापा के जिंदाबाद के नारे क्यों लगा रहे हैं। इससे पहले उसने सिर्फ बड़े नेताओं के जिंदाबाद के नारे सुने, किंतु आज मोहित के आश्चर्य का अंत ना था। स्कूली बच्चों के जुलूस के पीछे शहर के लोगों की भीड़ उमड़ी चली आ रही थी। देखते ही देखते मेजर भवानी सिंह जिंदाबाद के नारों से आसमान गूंजने लगा। पूरी सड़क खचाखच भर गई, कहीं तिल रखने की जगह नहीं बची थी। मोहित आश्चर्यचकित सा सब देख रहा था। थोड़ी ही देर बाद मिलिट्री बैंड की धुन सुनाई पड़ने लगी। उपस्थित जन समुदाय का उत्साह चरमोत्कर्ष पर पहुंचने लगा था। अमर सेनानी का स्वागत करने के लिए लोग बावले हुए जा रहे थे। मोहित, तुम्हारे पापा आ रहे हैं, चलो तुम्हें छत से सब दिखाता हूँ। तभी रतन मौसा ने करीब आकर मोहित को गोद में उठा लिया। नहीं, मैं यही रहूंगा, पापा मुझे देखते ही गोद में उठा लेंगे। मोहित उनकी गोद में मचल उठा। तुम यहाँ भीड़ में दब जाओगे, मेरे साथ छत पर चलो, रतन मौसा ने शांत स्वर में समझाया और उसे लेकर छत की ओर चल पड़े। मौसा जी, पापा दिखलाई क्यों नहीं पड़ रहे हैं? मोहित ने छत पर पहुंच दूर दूर तक दिख रहे विशाल जन समुद्र पर दृष्टि दौड़ाते हुए पूछा। वो देखो, उस ट्रक में तुम्हारे पापा आ रहे हैं, रतन मौसा ने उंगली उठाते हुए इशारा किया। फूलों से लदे ट्रक में पापा को खोज पाने में मोहित की आंखें असमर्थ थी। ट्रक के आगे सेना की सशस्त्र टुकड़ी और मिलिट्री का बैंड चल रहा था। सड़क के किनारे बने घरों से लोग ट्रक पर फूलों की बरसात कर रहे थे, किंतु उस भीड़ में उसके पापा कहाँ थे? रतन मौसा के बार बार के आश्वासन के बाद भी उसे दिखाई क्यों नहीं पड़ रहे? लाख कोशिश करने पर भी मोहित समझ ना पाया। शायद ट्रक करीब आने पर वो अपने पापा को देख सके।
मोहित ने स्वयं को सांत्वना दी, किंतु यह ट्रक भी तो आज चीटी की चाल चल रहा था, कुछ हल्ला कर रह गया। डॉक्टर पुनीत बिसाया क्या हमारे बीच आ चुके हैं? डॉक्टर बिसारिया, डॉक्टर साहब, बिसारिया जी, क्या हम लोगों की आवाज सुनाई पड़ रही? ज्यादा गड़बड़ है। वो फोन पर बोल देंगे, आप उसको सुना दीजिए, उससे वो फोन पर बात कर लें आपसे, तो आप ऐसे भी सुना सकते हैं मेरे ख्याल से, कोशिश करें क्या? मैं करूं उन्हें फोन? फोन पर वक्तव्य दे सकते हैं वो फोन के माध्यम से। हाँ, यही ज्यादा ठीक रहेगा राजू। हाँ, फोन पर हो जाए। हाँ अच्छा, तो ऐसा है मैं स्पीकर ऑन कर देता हूँ, आप फोन पे बोल दीजिए, लोगों को सुनाई पड़ जाएगा। राजू जी, सुनाई पड़ रहा है? जी सुनाई दे रहा है जी। आप लोग क्या मुझे सुन पा रहे हैं? जी हाँ, सुन पा रहे हैं। सुनाई दे जी। सभी को नमस्कार। मुझे खेद है कि मेरे यहाँ मौसम खराब है और नेटवर्क की बहुत समस्या है, इसलिए आपसे प्रत्यक्ष नहीं जुड़ पा रहा हूँ। सबसे पहले मैं संजीव जायसवाल जी को एक श्रेष्ठ कहानी संग्रह के लिए बधाई। मैंने देखा है कि कई बार कहानी संग्रहों में जो कहानी मुख्य कहानी होती है, जिसका शीर्षक ही पुस्तक का शीर्षक होता है, वो कहानी तो श्रेष्ठ होती है, लेकिन जो अन्य कहानियां होती हैं वो उसकी तुलना में हल्की होती है, कई कहानियां बहुत ही साधारण कोटि की होती हैं। लेकिन ये कहानी संग्रह, मैंने ऐसा पहला कहानी संग्रह पिछले 20 साल में देखा है जिसकी सभी 12 कहानियां एक पर एक। ये इस कहानी संग्रह की सफलता भी है और एक श्रेष्ठ रचनाकार के रूप में आदरणीय संजय जी की सफलता भी है। इस कहानी संग्रह को मैंने कल शाम को पढ़ना शुरू किया और आज दोपहर तक मैं इसको पढ़कर पूरा कर पाया। और दोपहर में जब मैंने संजय जी से इस संबंध में बात की तो मैंने उन्हें बताया, वो आपको भी मैं बताना चाहूंगा, कि इस कहानी संग्रह की कई कहानियां पढ़ करके कई कई बार मेरी आंखें नम हुई और लगा कि वो जो पात्र है उनके साथ कहीं ना कहीं मेरा साधारणीकरण हो गया है। यही इस कहानी संग्रह की बहुत बड़ी सफलता है। इस कहानी संग्रह में विविधता भी है जिसकी चर्चा संजय जी ने आपसे शुरुआत में ही की। कई तरह की कहानियां हैं, बाल मनोविज्ञान की कहानी है, आप देखें तो उसकी रोटी में किस प्रकार से एक भूख से बिलखता बच्चा एक रोटी चुराने के बाद, चुराना भी नहीं कहेंगे, जो कि उसका शायद हक था उसे हासिल करना, उसके बाद उसकी क्या स्थिति होती है और वो किस प्रकार से समाज द्वारा व्यवहार किया जाता है, वो समाज जो तथा कथित संभ्रांत समाज है, वो एक छोटे से बच्चे को किस प्रकार से ट्रीट करता है, ये बड़ा ही मार्मिक दृश्य संजय जी ने उकेरा है। संजय जी की इस कहानी, उसकी रोटी के विषय में मैं पहली कहानी के विषय में एक बात और बताऊं कि इस कहानी में वर्णनात्मक दृश्यों की बहुलता है। आप देखें जैसे ही ये कहानी शुरू होती है वो कितना सुंदर तरीके से उस महानगरी का चित्र अंकित करते हैं कि देखिए, वो कहते हैं कि आंखों में भरपेट रोटी के सपने लिए उसने महानगर की धरती पर कदम रखा। स्टेशन परिसर में फैले नरमुंडों के फैलाव को देख उसका कलेजा यकायक कांप उठा। इतनी भीड़, जैसे बर्फ का छत्ता टूट गया हो। हर कोई भागा चला जा रहा था, एक दूसरे को ठेलते हुए, आगे बढ़ने से ज्यादा दूसरे को पीछे ढकेलने की जद्दोजहद। अब ये देखिए कितना सुंदर वर्णन है कि एक महानगर किस प्रकार से बग के छत्ते की तरह उससे मिलने वालों के साथ व्यवहार करता है, इसका संकेत वो प्रारंभ में ही दे देते हैं और उस कहानी की परिणति भी इसी में होती है कि बग के छत्ते की भांति वहां का संभ्रांत समाज उस छोटे से बालक के साथ व्यवहार करता है। ये इस कहानी की सफलता है। यहाँ तक दूसरी कहानी गुनाह का पुष्प है, उन्हें वह आतंकवाद और आतंकवाद के पृष्ठभूमि में दो सहेलियों के जो अलग अलग धर्मों से आती है उनके प्रेम की बात कहती है और उस प्रेम में वो
अपने प्राणोत्सर्ग को भी कहीं ना कहीं करने को तैयार रहती है और अपने पति से उसका बदला लेती है जो उसने सलूक उसकी सहेली के साथ किया था। इस प्रकार का जो चित्र है और देश के प्रति भी उस वो अपनी जिम्मेदारी को समझती है रजिया, इस प्रकार की कहानियां देश प्रेम को भी बढ़ावा देती हैं और मानव मूल्यों के प्रति जो लोगों का विश्वास कहीं ना कहीं डगमगा रहा हो तो उस विश्वास को पुनः पुनर्जीवित करने का काम करती है। इस कहानी को गुनाह कहानी को पढ़ करके मुझे हार की जीत कहानी याद आ जाती है सुदर्शन की, जिसमें इसी तरह से बाबा कहते हैं कि लोगों का विश्वास जमा रहना चाहिए भले ही मेरा नुकसान होता हो तो विश्वास को कायम रखने की कहानी है गुनाह। और मुझे जो इस संग्रह की सबसे अच्छी कहानी लगी उस कहानी को मैं कुछ बताना चाहूंगा आपको, क्रांति शुरू होती है। ये जो कहानी है इस कहानी में किस प्रकार से एक ठाकुर साहब और दलित दोनों मिलकर के एक दलित स्त्री का शोषण करते हैं और किस प्रकार से वो दलित जो सत्ता पा करके स्वयं ठाकुर साहब बन जाता है, इस मनोविज्ञान का बड़ा ही सुंदर चित्रण किया है। और ये सत्य है, समाज में हम ऐसे लोगों को बहुत देखते हैं कि जब तक उन्हें कोई ना कोई पद या तमगा हासिल नहीं हो जाता तब तक वो अपनी जाति में पिछड़ा या दलित लगाते हैं और जैसे ही उन्हें सत्ता मिल जाती है तो उनका आचरण भी वही शोषक का हो जाता है जो कि जिसे छेल करके वो संघर्षों के बाद वहां तक पहुंचे। तो ये कहानी भी बहुत अच्छी है और इस कहानी में स्त्री विमर्श के भी कई पड़ते हैं और मुझे इस कहानी की नायिका से ज्यादा बेहतर ठाकुर की बहू पुत्रवधु और उसकी पत्नी लगी जो अंततः उठ करके खड़ी हो जाती हैं अपने पुत्र और अपने पति के सामने और उस स्त्री को बचाती हैं। तो ये जो चेतना सामाजिक चेतना है इसका सूत्रपात करती है ये क्रांति को, शुरुआत करने की एक दिशा में अग्रसर भी करती है कहानी। और एक कहानी की चर्चा और मैं करूंगा प्रतिशोध, सारी कहानियों की तो चर्चा नहीं कर पाऊंगा हालांकि मैंने सारी कहानियां पढ़ी हैं। प्रतिशोध कहानी जब मैं पढ़ रहा था तो जो उस डॉक्टर का बदला है उस कहानी का जो डॉक्टर की जो डॉक्टर महिला नायिका है उसके बदले को मैं जब पढ़ रहा था तो मुझे अनायास मंत्र के का वो बूढ़ा याद आ जाता है जो डॉक्टर चड्ढा के बच्चे। हेलो हेलो, आवाज चली गई शायद फिर से ना, मैं दोबारा रिंग करता हूँ। The number you have entered is currently busy. बहुत अच्छी समीक्षा कर रहे थे डॉक्टर साहब। Number you are calling is out of network. हाँ डॉक्टर साहब माफ कीजिए, आवाज चली गई थी जब मंत्र का जिक्र किया था आपने। जी तो मंत्र कहानी मुझे बहुत ही बेहतरीन कहानी लगती है और मंत्र कहानी जैसी ही श्रेष्ठता इस कहानी में भी है प्रतिशोध में, कि किस तरह से वो महिला अपना प्रतिशोध लेती है और उसको एक तरह से माफ भी नहीं करती है उस विधायक को और उसे प्राणदान भी देती है जिसने उसका बलात्कार किया था। तो ये कहानी पढ़ करके कहीं ना कहीं लगता है कि मानवीयता और मानव मूल्य और भारतीय संस्कार हमारे भारत में ही जीवित रह सकते हैं और भारत की ही महिला इस प्रकार का आचरण एक डॉक्टर के रूप में कर सकती है। इसके अलावा मुझे दूसरी जो अच्छी कहानी लगी इस कहानी संग्रह की वो आखिरी सलाम है, अगली कहानी जो तीसरी कहानी आखिरी सलाम में किस प्रकार से वो छोटा सा बच्चा अपने बड़े भाई 10 साल का बड़ा भाई है अपने माँ अपने बाबा
अपने मौसी सबसे सवाल पूछता है कि मेरे पिताजी आ रहे हैं तो सजावट क्यों हो रही है, क्या कुछ विशेष होने वाला है, जबकि सच्चाई है कि उसके पिता कारगिल में शहीद हो चुके हैं और उनका शव आ रहा है, तो उन्हें सलामी देने के लिए पूरी तैयारी की गई है। और जब सबसे वो सवाल करके हार जाता है और उसे पता नहीं चलता और अंत में उसे अंदाज लगाता है, वो सारी बातों के बाद जो अंदाज उसका होता है कि मेरे पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे, और तब वो जो पहन करके आता है सेना की वर्दी जो उसके पिता ने उसे बर्थडे पर भेंट की थी, और उस पर वो उसे पहन करके अपने पिता को अंतिम सलामी हृदय व्यक्ति की भी आंखें नम हो जाएंगी ऐसा मैं मानता हूँ। बहुत ही सुंदर कहानी है, मार्मिक संवेदना से भरी है, बाल मनोविज्ञान इसमें कूट कूट करके भरा हुआ है। एक बड़ी मजेदार कहानी है व्हाइट मेलिंग, जो कार्यशील महिलाओं के यौन उत्पीड़न से जुड़ी हुई है। इस पर बहुत कम कहानियां हमें देखने को मिलती हैं, और कहानियां देखने को भी मिलती हैं तो उनमें शायद वो समाधान नहीं प्रस्तुत करते कथाकार जिनकी आवश्यकता है, और व्हाइट मेलिंग कहानी में कथाकार ने समाधान प्रस्तुत किया है कि कोई स्त्री यदि इस प्रकार की परिस्थितियों को तो उसे क्या करना चाहिए, ये भी इस कहानी की एक खूबी है। और बहुत सुंदर तरीके से इन्होंने संजय जी ने इस कहानी को प्रस्तुत करने का काम किया है। और कर्ज कहानी की चर्चा कई लोगों ने की, जो कर्ज कहानी है इसमें किस प्रकार से लेखक जो कहता है उसको मैं थोड़ा सा आपके सामने रखना चाहूंगा एक मिनट। जो केबी इंडस्ट्रीज है, ये केबी इंडस्ट्रीज आदिवासियों के जंगल जमीन जल की समस्या और पृष्ठभूमि में पलता हुआ आदिवासी प्रेम और एक जिजीविषा की कुछ हमें हासिल करता है, और जिजीविषा और प्रेम के बीच का संघर्ष और अंततः सफलता, और सफलता का मोल उसको जो चुकाना पड़ा उस अपनी प्रेमिका आदिवासी स्त्री है उससे विषो, और अंत में किस प्रकार से वो अपनी उस प्रेमिका से मिलता है और किस प्रकार से आदिवासियों की समस्या दूर करता है, ये देखने की चीज है। मैं बार बार कहता हूं कि इनकी कहानियां समाधान देती हैं, इनकी कहानियां कुछ सोचने के लिए या उत्तर देने के लिए विवश नहीं करती कि हम उत्तर ढूंढें उसका। संजय जी की कहानियों में समाधान है, और ये किसी भी रचनाकार की सफलता है। इसी प्रकार से आदिवासियों की ये जो समस्या है, खासकर नक्सल समस्या जिसको हम कहते हैं, उस समस्या में जो वो लोग तीर और भाले बाण लेकर के जो है आ जाते हैं युद्ध करने के लिए अपने जंगल जमीन और जल को बचाने के लिए, उसका किस प्रकार उचित समाधान हो सकता है, ये समाधान इस कहानी की बहुत बड़ी खूबी है, क्योंकि मैं एक श्रेष्ठ कहानी मानता हूँ। और इस कहानी से बहुत कुछ हम सीख सकते हैं, और यह भी हम देख सकते हैं कि आदिवासियों की समस्याओं का समाधान किस प्रकार से उन्हें समझा बुझा कर किया जा सकता है। एक कहानी सूरज की पहली किरण है, जो वैसे तो एक नाजुक प्रेम कहानी है, लेकिन उसमें भारतीय संस्कार की जो चाशनी संजय जी ने मिलाई है, उस चाशनी से उसकी मिठास इतनी अच्छी हो गई है, इतनी अधिक बढ़ गई है कि अंत में जो उसका सुखद स्वरूप हमारे सामने आता है वो देखकर लगता है कि भारतीय संस्कृति क्यों महान है और भारतीय संस्कृति के नायक और नायिका को किस प्रकार आचरण करना चाहिए, इसको अगर हमें देखना है तो इस कहानी को अवश्य पढ़ना चाहिए। बहुत सी अच्छी अच्छी और भी कहानियां हैं, तुम निहारिका नहीं हो यह भी एक आदर्श केंद्रित कहानी है, जिसमें उन्होंने अपनी उस प्रेम की मूर्ति को ही खंडित कर देता है जिस प्रेम की मूर्ति को पाने के लिए वो वर्षों तक तपस्या करता रहा। तो इस प्रकार की कहानियां जो है इनसे संजय जी अग्रिम पंथ के एक लेखक के रूप में हमारे सामने आते हैं, और हम सब जानते हैं कि संजय जी की कहानियां कई भाषाओं में अनुवादित हुई हैं। संजय जी एक बहुत अच्छे बाल कथाकार भी हैं, लेकिन संजय जी का कैनवास इतना बड़ा है, उनकी कहानियों के विषय इतने मनोरम और वैविध्यपूर्ण हैं, उनमें चित्रित जो कल्पना शक्ति है या बिंब है या प्रतीकों का सुंदर इस्तेमाल है। अब जैसे उदाहरण के लिए आपकी जो मूल शीर्षक की कहानी है राफी अहमद सिंह, इसमें कहानीकार ने बड़े सुंदर तरीके से नायक के नामकरण के औचित्य को भी बताया है कि उसका नाम सिंह क्यों है, उसका नाम अहमद क्यों है और उसका नाम रॉकी क्यों है, और अंततः वो
रॉकी एवर सिंह किस प्रकार से प्रेम और देश प्रेम, प्रेमिका प्रेम और देश प्रेम, इन दोनों के मोह में कह लीजिए या इन दोनों के प्रभाव में आकर आत्मोत्सर्ग कर देता है। यह भारतीय संस्कृति की भी विशिष्टता को बताता है और प्रेम की उच्चता को तो बताता ही है। और राष्ट्र के प्रति प्रेम एक बुरे से बुरे व्यक्ति में भी कब जागृत हो जाए कहा नहीं जा सकता। इस तरह की मनोभावनाओं को हमारे सामने उकेरने का काम करता है। और मेरा विश्वास है, जैसा कि अभी पहले संजय जी ने भी कहा, कि ये कहानियां खासकर रॉकी अहमद सिंह पर एक अच्छी फिल्म बन सकती है। मैं तो कहता हूँ रॉकी अहमद सिंह ही नहीं, आपकी कई ऐसी कहानियां हैं इस संग्रह में जिन पर अच्छी फिल्म बन सकती है, चाहे वो गुनाह हो, चाहे रॉकी अहमद सिंह हो, चाहे उसकी रोटी हो, चाहे कर्ज हो, चाहे सूरज की पहली किरण हो, चाहे व्हाइट मेलिंग हो, चाहे बेड़िया हो, ये सभी कहानियां ऐसी हैं जिन पर एक अच्छी फिल्म और एक हिट फिल्म बन सकती है, या टीवी धारावाहिक या वेब सीरीज बन सकती है। क्योंकि जो टीवी और वेब सीरीज में जो नाटकीयता के तत्वों की आवश्यकता जिस प्रकार से होती है, ये सारे नाटकीयता के तत्व इस कहानी संग्रह की लगभग सभी कहानियों में विद्यमान है। मैं संजय जी को एक उत्कृष्ट कहानी संग्रह के लिए बधाई देता हूँ और आशा करता हूँ कि आपकी कलम की स्याही से भविष्य में भी हमें श्रेष्ठ कहानियां पढ़ने को मिलेंगी। और हिंदी साहित्य के कोष की श्री वृद्धि में आपका इसी प्रकार योगदान रहेगा। आपको पुनश्च बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छी और सटीक सार्थक समीक्षा आपने की, मैं हृदय से आभारी हूँ आपका। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर बिसारिया आपके संदेश के। थोड़ा नेट की समस्या को भी आपने, मतलब वो कहते हैं ना कि जो बड़े बड़े स्तंभ होते हैं वो छोटे मोटे तूफानों से कभी भी डगबगाते नहीं है, तो नेट की है जो थोड़ी सी हलचल हुई इसको भी आपने बड़ी खूबसूरती इसके साथ हम लोग तक नहीं पहुंचने दिया और अंततः हम आपकी बात सुन सके, आपके विचारों से अवगत हो सके, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी धन्यवाद। अब मेरा अनुरोध है आदरणीय संजीव जी से कि कार्यक्रम तो समाप्ति की ओर है और आप धन्यवाद ज्ञापन के साथ। मैं एक बार पुनः मंच पे आसीन डॉक्टर पुनीत बिसारिया, डॉक्टर प्रभा पंत, अलका प्रमोद जी, सुधा जुगरान जी, राजुल जी और हमारे जितने दर्शक श्रोता इस कार्यक्रम से जुड़े उन सबका हृदय से आभार करता हूँ। मैं क्षमा चाहता हूँ कि मैं बहुत से लोगों का नाम नहीं ले सका क्योंकि स्क्रीन पे चंद सेकंड के लिए नाम उभरते हैं और उस समय कोई दूसरा वक्ता बोल रहा होता है तो मैं बीच में डिस्टर्ब नहीं कर सकता, इसलिए मैं बाद में व्यक्तिगत रूप से सभी का आभार प्रकट करूँगा और बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। और अगले 3 महीने में आज मेरी 5-6 किताबें और आने वाली हैं और मुझे विश्वास है कि आप सबका प्यार और स्नेह उन सभी पुस्तकों को मिलेगा। इन पुस्तकों की व्यस्तता के कारण इधर पिछले 1-2 साल से मेरी कहानियां पत्रिकाओं में कम आ पाई हैं क्योंकि एक वक्त में या तो किताबें तैयार की जा सकती हैं या पत्रिकाओं के लिए कहानी लिखी जा सकती हैं, लेकिन मुझे आप सभी का स्नेह लगातार मिलता रहा है, इसके लिए मैं सबका आभारी हूँ और माँ सरस्वती से प्रार्थना करता हूँ कि हम सब पर, आप पर अपनी कृपा इसी तरीके से बरसाती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद संजीव जी, एक बहुत महत्वपूर्ण संदेश है जो कि आप तक जरूर पहुंचना चाहिए। सविता जोशी जी ने कहा वो संदेश पीछे चला गया कि वाकई बहुत बड़ा कैनवस है और फिल्म और सीरीज बन सकती है और साथ ही साथ आपके लिए हीरो पक्का हो गया है, एक्टिंग मेरा बेटा कर लेगा, उन्होंने ये आश्वासन दिया है। बताइए इससे बड़ी बात क्या होगी किसी लेखक के लिए कि पाठक जो है वो दौड़ कर आते हैं कि और मेरी दिली ख्वाहिश ये रहेगी कि वो जो फिल्म बने उसका भी, जैसे इस पुस्तक का लोकार्पण हुआ है तो उस फिल्म के का भी जो एक प्रीव्यू हो वो प्रकाशक के पटल पर हो और ये अपने आप में एक पहली बार होगा। क्या कहते हैं आपके मुंह में घी शक्कर।
कहने जा रहे थे कि राजू के मुंह में घी चक्कर। तो ऐसे ही हमारा लखनऊ और हमारे लखनऊ वालों की कलम जिंदाबाद ऐसे बढ़ती रहे, और आदरणीय सुधा जुगरान जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद, और उनकी कलम का भी लोहा मानते हैं हम कि जबरदस्त तरीके से दिल को छूती है। बहरहाल आज की ये खास शाम बहुत ही सुंदर ढंग से अपने अंतिम पड़ाव तक पहुंची है, और हम सभी ने एक जिसको कहते हैं बहुत क्वालिटी टाइम साथ में गुजारा, और वो क्वालिटी टाइम इसलिए भी बहुत खूबसूरत हो गया क्योंकि एक बहुत खूबसूरत किताब रॉकी अहमद सिंह, जो कि जब मैंने ये मूल कहानी जो मुख्य कहानी है शीर्षक कहानी वो पढ़ी थी, तभी मैंने संजीव जी को अलग से एक संदेश दिया था व्हाट्सएप पर कि बहुत सुंदर कहानी है, और उस कहानी के साथ साथ जो और बाकी कहानियां भी पढ़ने को जिसे कहते हैं कि एक बोनस मिला, उसके लिए आदरणीय संजीव जी का बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय सुधा जुगरान जी, आदरणीय डॉक्टर अलका प्रमोद जी और डॉक्टर प्रभा पंत जी और आदरणीय डॉक्टर पुनीत बिसारिया जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद, और अब बहुत धन्यवाद के साथ आदरणीय डॉक्टर संजीव जायसवाल संजय जी से मैं कह रही हूँ कि आप ऐसे ही लिखते रहें, माँ सरस्वती का आशीर्वाद ऐसे ही बना रहे और हम ऐसे ही सुंदर सुंदर रचनाएं पढ़ते रहें। तो आज की इस शाम को यहीं पर विराम देते हैं, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।